जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं श्री नारायण अवध में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा, तो आइए शुरुआत करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो लौकी। इसके हम छिलके को हटा देंगे। ये देखिए, लौकी को हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। अब हम इसको और पतले पतले पीसेस में कट करेंगे और इसका जो व्हाइट पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा सा हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सभी लौकी में से व्हाइट पोर्शन को हटा दिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। लौकी को ग्रेट करने के लिए इस तरह से हमें बड़े वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। अब हम लौकी को जल्दी जल्दी ग्रेट करेंगे। इस काम को हमें थोड़ा जल्दी से करना है, नहीं तो जो लौकी है वो काली पड़ जाएगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसे ग्रेट करें। ये देखिए, लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप घी। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लौकी। लौकी को हमें 3 से 4 मिनट तक घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। लौकी को फ्राई करते हुए हमें 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, लौकी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कप दूध। अच्छे से उबाल लिया है। आप इसमें ठंडा दूध ना डालें, नहीं तो हलवा जो है वो फट सकता है, इसलिए हमें दूध को उबालकर गरम गरम दूध ही लौकी के हलवे में डालना है। दूध डालने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है, जब तक कि लौकी जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है इसे, बस बीच बीच में आप इसे हल्का सा चला लें। ये देखिए, लौकी भी अच्छे से पक चुकी है और दूध को भी इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप फ्रेश मलाई। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप शुगर। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर और मलाई डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला होता है, उस पानी को हमें अच्छे से सुखा देना है।
इस प्रोसेस में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट और लगेंगे। ये देखिए हलवा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करना है। ये देखिए हलवा जो है वो एकदम गाढ़ा हो चुका है और दूध मलाई और शक्कर का जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटे हुए नट्स। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। हलवा एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए लौकी का हलवा बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।